हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोयल और यूट्यूब चैनल कोयल प्लांट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि रोज़ की केयर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आप एंजॉय कीजिए इसकी फ्लावरिंग को। ये देसी रोज़ है और बहुत अच्छी साइज़ में ये खिला है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके साइज़ काफ़ी बड़ी है और ये सर्दियों के दिन हैं तो बड़े फ्लावर्स आते हैं। तो ये देसी रोज़ है फ्रेंड्स, और ये भी देसी रोज़ ये काफ़ी दिन हो गए खिले हुए, तो ये जाने वाला है। फ्रेंड्स, साथ में आप ये देख सकते हैं ये रोज़ बटन रोज़ हैं, तो थोड़े छोटे साइज़ के फ्लावर्स होते हैं। देखिए आप, बहुत सारे आने वाले हैं, काफ़ी आ चुके हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने कुछ कटिंग ग्रो करी थी और आप देख सकते हैं ये जो है फ्लावर इसमें आके जा चुका है। फ्रेंड्स, तो मैं ये दो लीफ, ये देखिए ये फर्स्ट लीफ है और ये सेकेंड लीफ है, तो ये दो लीफ हटा के मैं इसमें जो कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि इसमें जो है सीड फॉर्मेशन ना हो और फर्दर नई फ्लावरिंग होती रहे। साथ में आप देख सकते हैं जी, कटिंग से मैंने कुछ प्लांट्स ग्रो किए थे। ये जो है रोज़ की टहनी लेके और इसको हमने सारी लीव्स रिमूव कर दी है फ्रेंड्स, और रूटिंग हार्मोन में डिप करके इसको लगाया था सॉइल में, तो डेली वाटरिंग करिए, इसको शेड में रखा है। तो देखिए आप, न्यू लीव्स इसमें बन गई है और दो महीने के अंदर ये नया प्लांट बन जाएगा रोज़ का, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ ये लेने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी भी वक्त है, जनवरी चल रही है और आप कटिंग से नए रोज़ के प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जब भी आप कटिंग लें तो सारी लीव्स को रिमूव करते हैं, थोड़ी कटिंग मोटी सी लें फ्रेंड्स, ताकि वो ईजिली डैमेज ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप लीव, ये जो कटिंग देख रहे हैं आप, ये थोड़ी पतली है, लेकिन आप यहाँ की इसकी देख सकते हैं, ये स्टेम पार्ट ये थोड़ा मोटी साइज़ में है, तो ये सर्वाइव कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको लगा सकते हैं और सारी लीव्स आपको रिमूव करनी है। 5 इंच की आप हाइट ले लीजिए, जितनी भी आपको सूटेबल लगे। देखिए, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और साथ में आप इसको एलोवेरा जेल है, अगर एलोवेरा का प्लांट है आपके पास तो उसमें, उससे जो लीव से आप जेल निकाल के वो लगा सकते हैं, या फिर रूटिंग हार्मोन है तो आप वो लगा सकते हैं। साथ में आपको फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए एक रोज़ मिक्स आता है फ्रेंड्स, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो देखिए, ये रोज़ मिक्स है, तो आप इसके कुछ ग्रेन्यूल्स ले लीजिए अगर छोटा पॉट है तो, और अगर आप चम्मच के अनुसार देखें तो चम्मच के अनुसार देख सकते हैं 1/4 चम्मच, या देखिए इतनी क्वांटिटी है, ये इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको लेनी नहीं है फ्रेंड्स। तो आप वो स्प्रे कर सकते हैं इनकी फ्लोरिंग इनिशिएट करने के लिए, अगर आपकी फ्लोरिंग नहीं आ रही है तो। साथ में वर्मी कंपोस्ट या काउडंग आप समय समय पर डालते रहें और इनकी फ्लोरिंग का आनंद लेते रहें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे प्लांट्स और जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव ए नाइस डे।